everyone. Now in this session we have to discuss certain bacterial disease. In last session we already have seen the viral diseases. Now in this session we have to deal with certain bacterial diseases. So bacteria means aapne bacteria you heard suna hi hoga. Bacteria can be useful and at the same time they can be the harmful also. Useful matlab lactobacillus bacteria jisko hum LAB bolte hain lab. जो कि मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में करता है, जो हमारे लिए यूजफुल है. सर्टन प्लांट्स जो है जिसमें हम बैक्टीरिया उनके सीड में रिड्यूस करके हम उसको एक जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना सकते हैं, जैसे बीटी कॉटन है. सो यस, यहाँ हमें जो पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया है हमारे लिए हार्मफुल है वो हमें डिसीजेज आज पढ़ने हैं. सो पहला डिसीज है विच इज अ लेप्रसी. लेप्रसी जिसमें लेग्स या फिर लिम्स जो होते हैं इनमें नमनेस आ जाता है और एम्प्यूटेट होते जाते हैं, लाइक वो ऐसे डिग्रेड होते जाते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैंसन्स डिसीज एंड द कॉजेटिव एजेंट इज अ बैक्टीरिया, नो डाउट, बट द बैक्टीरिया इज माइको बैक्टीरियम लेप्री. सो ये बैक्टीरियल डिसीज है. दीज आर द बैक्टीरियल डिसीजेज, माइको बैक्टीरियम लेप्री, याद रखना है आपको. ये बैक्टीरिया लेप्रसी कॉज करता है. कॉलरा जनरली दिस डिसीज इज कॉज बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर ऑल्सो, बट द बैक्टीरिया जो है विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी जो है ये बैक्टीरिया जनरली इट इज इन दी क्वामाशिप, क्वामाशिप में होता है ये. इसमें बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, डायरिया एंड सीवियर डिहाइड्रेशन होता है. सो डायरिया एंड डिहाइड्रेशन होता है कॉलरा में and caused by vibrio cholerae. Next, diphtheria. Diphtheria cornei bacterium diphtheri. Diphtheria मतलब ये यहाँ नोज एंड आप बोल सकते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है. सो यस, डिप्टेरिया मतलब आपको यहाँ बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाएगा, रेनी नोज हो जाएगा. सो यस, ये डिसीजेस ये कॉलरा एंड डिप्टेरिया ये क्यूरेबल है, वैक्सीनेशन से क्योर हो सकते हैं, ट्रीटमेंट से क्योर हो सकते हैं. पर्टुसिस, वूपिंग कफ. पर्टुसिस मतलब वूपिंग कफ मतलब क्या, इसको और एक नाम है विच इज कॉल्ड एज काली खांसी. काली खांसी कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला पर्टुसिस. वूपिंग कफ क्यों बोला जाता है इसको, इसमें एक सीवियर कफ होता है, बहुत ज्यादा खांसी होती है. इतनी ज्यादा खांसी होती है, इतना ज्यादा कंजेशन हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जब आप कफिंग करोगे तो थोड़ा सा वूप ऐसे आवाज आती है, इसलिए इसको वूपिंग कफ बोला जाता है. सो यस, इट इज कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला पर्टुसिस. ट्यूबरकुलोसिस टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये उसका पॉजिटिव एजेंट है. इसका वैक्सीनेशन है बीसीजी, आपको मुझे बताना है बीसीजी का लॉन्ग फॉर्म क्या है. ट्यूबरकुलोसिस ये हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड करता है. अगेन इट्स यू कैन कंसिडर एज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जहां लंग्स बहुत ज्यादा यू कैन से हमारे वल्नरेबल होते हैं फॉर दिस डिसीज. एंड टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, दिस इज अ बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी. एंड टाइफॉइड जो है दिस इज ऑल्सो यू कैन से कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर एंड बैक्टीरिया. टाइफॉइड एंड कॉलेरा ये जो है जनरली जब बारिश का सीजन होता है तब थोड़े से ज्यादा ये डिसीज आते हैं बाहर. क्यों? बिकॉज कंटेमिनेटेड इन फूड एंड वाटर का चांस तब ज्यादा हो जाता है इन्फेक्शन का. टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस. इसमें भी बहुत ज्यादा बाउट्स ऑफ फीवर आता है, इसमें हेडेक होता है, वोमिटिंग, नॉशिया, ये सारी चीजें इसमें होती है, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट. सो ये इसमें होता है. टिटेनस, टिटेनस का पॉजिटिव एजेंट है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, बट ये सॉइल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है. लाइक जैसे कई बार आपने देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार रस्टी नेल्स या रस्टी कोई चीज है लोहे की जिसमें रस्ट लग चुका है, जंग लग चुका है, अगर उससे आपको कोई चोट होती है, मे बी आपका यहाँ रप्चर हो जाता है या बॉडी में कहीं रप्चर होता है, तो आपको टीटी के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, टिटनस के इंजेक्शन, बिकॉज वो रस्टी नेल्स पे बैक्टीरिया जनरली ड्वेल्स ऑन द रस्टी आयर्न, सो दैट रस्टी आयर्न से आपको कोई चोट या वुंड होता है तो आपको टिटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है. टिटनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जॉ लॉक डिसीज. ये आपके बॉडी में मतलब ऐसा पूरा लॉक कर देगा आपको, मतलब आपके जॉ जो है वो लॉक हो जाएंगे एंड फिर आप बोल नहीं पाओगे, फिर वो पूरी बॉडी जो है वो ऐसे स्टिफ हो जाती है, मसल्स पूरे ऐसे स्टिफ हो जाते हैं. सो ये वो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया ऐसी ऐसी चीजें कॉज करता है. सो ओके, सो ये है कुछ 5 और 6 डिसीजेस. इसके बाद हम पढ़ेंगे एक डिसीज
जो कि मे भी आपने सुना होगा एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स है, इट कैन बी यूज एज अ बायोवेपन। बायोवेपन मतलब क्या कि सपोज मान लीजिए आपने एक बॉम्ब है या मिसाइल है, उस मिसाइल में आपने एंथ्रैक्स के स्पोर्स भर दिए, ये बहुत ज्यादा जल्दी डिसीज करता है, कॉज करता है। और ये सपोज मान लीजिए ये एक ऐसा कोई ऐसा सपोज मान लीजिए दिस इज अ मिसाइल, और इस मिसाइल में आपने ये भर दिया है स्पोर, और ये किसी वन कंट्री इज अटैकिंग ऑन द अनदर कंट्री विद द हेल्प ऑफ दिस एंथ्रैक्स के स्पोर, इज अ बायो वेपन। वेपन है, सी वेपन मतलब नॉर्मल वेपन जैसा, लेकिन ये बायोलॉजिकल वेपन है ना। सो वो कंट्री पे जाके जब वो अटैक होगा तो वहां के लोगों को एंथ्रैक्स होगा, और ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है। जैसे अभी अभी हम सोच सकते हैं कोरोना COVID-19 कैन बी लाइक ये बायो वेपन ही, आप मे भी सुनते होंगे लाइक ये कैसा है, चाइना से ओरिजिनेट हुआ और अभी पूरे पूरे वर्ल्ड को इसने ठप करके रखा है। सो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है टू रिमेम्बर एज अ बायो वेपन, जो काफी ज्यादा फैलता है एंड काफी सारी डेथ्स भी इससे हो रही है। सो यस, एंथ्रैक्स कैन बी यूज एज अ बायो वेपन, विच इज ऑल्सो दिस इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस उसका बैक्टीरिया है, बट डिफरेंस ये है कोरोना है वो वायरल डिसीज है, दिस इज अ बैक्टीरियल वन। सो इट कैन बी यूज एज अ बायो वेपन, तो ये मे बी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो कोरोना तो है ही, लेकिन एंथ्रैक्स भी याद रखिए, ये दोनों बायो वेपन। कोरोना तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंथ्रैक्स में भी आने वाले 20-30 ईयर्स में एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है जनरेशन को। सो यस, ये बायो वेपन हम यूज कर सकते हैं। सो यस, दीज आर सर्टन बैक्टीरियल डिसीज जो हमने अभी पढ़े हैं। इसके बाद देर आर नंबर ऑफ डिसीज कॉज बाय प्रोटोजोन्स ऑल्सो, तो प्रोटोजोन का एक डिसीज हम पढ़ लेंगे अभी। प्रोटोजोन का बेस्ट एग्जाम्पल है मलेरिया। मलेरिया इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय सर्टन स्पोरोजॉइट, लेकिन वो स्पोरोजॉइट को हमारे बॉडी तक कौन लेके आता है, एक मॉस्किटो लेके आता है। वो कौन सा मॉस्किटो है वो मुझे आप बताओगे, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल होता है उसका वर्जन। वो फीमेल आपको जब वो बाइट करेगा वो मॉस्किटो, तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं क्विकली सी। पहला, आपको बाइट किया, बाइट करने के बाद आपके बॉडी में उसने स्पोरोजॉइट को रिलीज किया। स्पोरोजॉइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया, ऑलवेज रिमेम्बर। सो ये एक्चुअली इट्स अ प्लाज्मोडियम होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजॉइट। क्वेश्चन आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम और मलेरिया, विच इज द स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट आपके बॉडी में जाएंगे, फिर वो आपके बॉडी में जाके सबसे पहले कहाँ अटैक करते हैं, अटैक नहीं करेंगे, मे बी ये छोटा सा मॉस्किटो है, दिस टाइनी मॉस्किटो व्हेन इट बाइट्स यू, जब ये आपको बाइट करेगा तो वो मान लीजिए सपोज 5 to 10 स्पोरोजॉइट आपके बॉडी में रिलीज करे है उसने, ठीक है। दिस 5 to 10 स्पोरोजॉइट दे बेसिकली दे आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ एबिलिटी टू बेसिकली प्रोवाइड अ हार्म टू द ह्यूमन बींग। 5 to 10 स्पोरोजॉइट हमारा हार्म नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए वो क्या करता है, लीवर में जाके मल्टीप्लाई होता है, लीवर में जाता है, यहाँ खुद की एक आर्मी बनाता है मल्टीप्लाई, फिर वहां से निकलता है, फिर हमारे आरबीसी में एंट्री लेता है, आरबीसी में एंट्री लेगा, ओके। अभी आरबीसी में क्यों जाता है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आरबीसी में जाता है, आरबीसी में जाने के बाद आरबीसी को रप्चर करके बाहर आता है, ओके। एंड आरबीसी को रप्चर करके जब बाहर आएगा तो वो हमारे बॉडी में टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है। इट रिलीजेज अ टॉक्सिक केमिकल इन आवर बॉडी विच इज नोन एज हीमोजॉइन, और तब हमें सिम्टम्स शो होना दिखते हैं, तब हमारे बॉडी में सिम्टम्स हमें दिखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल द सिम्टम ऑफ मलेरिया इज अ हाई फीवर, चिलिंग, बाउट्स ऑफ फीवर एंड चिलिंग, एंड हेड एक एंड फटिग एंड ऑल। सो ये सब कुछ बाइट किया, लीवर में गया, मल्टीप्लाई होके आरबीसी में भी गया है, वहां से भी निकल चुका है, उसके बाद ये सब्सटेंस, दिस इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस विच कॉजेज द सिम्टम ऑफ मलेरिया, फिर ये यहां से बाहर निकल के हमारे बॉडी में रैंडमली घूमता रहता है। अभी मैं समझाती हूँ आपको ये आरबीसी में क्यों गया था। आरबीसी हमने पढ़ा है, आरबीसी इज अ हॉलो फ्रॉम इनसाइड, आरबीसी अंदर से खाली है बिल्कुल। सो ये क्या करता है, उधर जाके उसके गैमिट बनाता है, गैमिट बनाएगा,
सो इन आरबीसी देयर वुड बी अ गैमेट फॉर्मेशन, ये आरबीसी में गैमेट फॉर्मेशन उसका कंप्लीट करेगा एंड व्हेन दे आर रप्चरिंग द आरबीसी दैट टाइम द गैमेट्स वुड वूज आउट फ्रॉम द आरबीसी, गैमेट्स बाहर आते हैं। उन्होंने क्यों जगह चूज की, बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए एंड आरबीसी इज अ हॉलो फ्रॉम इनसाइड, सो दे आर ऑल्सो स्मार्ट, वो इतने स्मार्ट है उनको पता है कहां जाके गैमेट फॉर्म हो सकते हैं बिकॉज आरबीसी अंदर से खाली है, वहां जाएंगे गैमेट बनाएंगे, आरबीसी को रप्चर करके गैमेट्स बाहर आ जाएंगे। गैमेट्स हमारे बॉडी में मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दीज आर दी मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये हमारे बॉडी में रैंडमली डेवलप करेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे और फर्टिलाइज नहीं हो सकते हैं ये हमारे बॉडी में। सो यस, फिर ये हमको डिसीज ये सिम्टम शो करेगा, फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर हम दवाइयां खाएंगे और फिर ये मर जाएगा। बट देन डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले मे बी सम हाउ अनफॉर्चुनेटली वापस आपको वो उसने बाइट किया मॉस्किटो ने और वो उसने ब्लड सक कर लिया, ठीक है। चलो ये पहला पार्ट था उसका, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ दिस मलेरिया मलेरिया डिसीज, ये फर्स्ट पार्ट था, पार्ट वन। पार्ट टू, गैमेट ऑलरेडी बन चुके हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। सो गाइज यू हैव टू रिमेम्बर, अगर डॉक्टर के पास जाते जाते वापस अब आपको एक बार बाइट किया तो बाइट करते टाइम वो सक करेगा आपका ब्लड, तो ब्लड सक करते करते वो गैमेट्स को भी सक कर लेगा, गैमेट्स सक करेगा, कौन है ये मॉस्किटो है, मॉस्किटो और ये था ह्यूमन, ये उसका जो पार्ट वन है ये ह्यूमन के बॉडी में चल रहा है एंड दिस इज पार्ट टू विच इज एक्चुअली इन द मॉस्किटो का गट। सो ये क्या होगा, अभी ये उसने वो गैमेट्स को भी सक कर लिया, गैमेट्स वुड फर्टिलाइज इन दैट गट ऑफ द बैक्टीरिया, ये जो गैमेट्स है इनका फर्टिलाइजेशन होगा, कहां होगा, मॉस्किटो के गट में, मतलब वो मॉस्किटो के बॉडी में उसका फर्टिलाइजेशन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का एंड वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगेन दे विल प्रोड्यूस अ स्पोरोजॉइड कंडीशन विच इज द इन्फेक्शियस कंडीशन ऑफ दिस मलेरिया। सो वो वापस किसी को बाइट करेगा, वापस ये साइकिल चलेगा, वो हमारे बॉडी में फर्टिलाइज नहीं हो सकते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के लिए उसको वापस उसकी ही बॉडी चाहिए, तो इसको उसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर्स टू होस्ट, इसको उसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर्स टू होस्ट, दो होस्ट इसको चाहिए, That is why it is called as diagenetic. It has a diagenetic life cycle. इसकी कौन सी life cycle है? That is why it has a diagenetic life cycle. Okay. So, Plasmodium, Malary, Ovale, Falciparum ये सारे malaria के उसके ये हैं। जैसे for example यहाँ ये समझ लीजिए, आपको bite किया, फिर उसके बाद liver में गया for the multiplication, RBC में गया for the gamete formation, when it ruptures the RBC it releases a toxic substance which is called as hemozoin and actually this hemozoin is a very you can say toxic for us so that it can show a disease to a human. Then gamete would randomly circulate in our body, move in our body and when unfortunately agar koi mosquito bite karta hai to it also while sucking the blood it also suck the gametes and gametes would fertilize in their body mosquito ka and वापस वो fertilization के बाद sporozoite infective stage form करेगा। So इसको उसकी पूरी life cycle complete करने के लिए from sporozoite to sporozoite इसको दो host चाहिए, है ना, पहला होस्ट तो ह्यूमन था, दूसरा उसकी खुद की बॉडी, सो यस इट रिक्वायर्स अ टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स पूरा लाइफ साइकिल, कंप्लीट लाइफ साइकिल, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इट हैज अ डायजेनेटिक लाइफ साइकिल, इसको दो होस्ट चाहिए होते हैं, इट्स अ प्रोटोजोन डिसीज, प्लाज्मोडियम पैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम ओवेल, हम मलेरिया पढ़ रहे थे, इसका पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम पैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी, ये सारे इसके अलग अलग एजेंट्स है। बट आपका होमवर्क याद है, आपको बताना है फीमेल कौन सा मॉस्किटो है जो कि हमको ये कॉज करता है, इसलिए ये जो मलेरिया है काफी इंटरेस्टिंग है, याद रखिए उसका इन्फेक्टिव स्टेज, आरबीसी में क्यों गया, कौन सा सब्सटेंस रिलीज किया एंड दैट्स इट। सो ये डिसीज था इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने आपको समझा के दिया ये।
सो यस यू कैन ऑल्सो मेक अ फंगल डिसीजेस का लिस्ट, और कोई भी डिसीज अगर आप कहीं पढ़ते हो तो तुरंत उसका लिस्ट बनाइए, सो दैट एग्जाम में हो सकता है. एग्जाम में इसके बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कभी होता है तो मे बी आप नोट्स बना के रख सकते हैं.